दोस्तों, आज मैं आपको सन 1800 के दुनिया में लेकर जाने वाला हूँ, जहाँ पर आप महसूस करोगे कि हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगी किस तरह से जी होगी। तो आइए आज जानते हैं कि 200 साल पहले हमारा भारत कैसा था। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल, एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। दोस्तों, हमारे देश ने काफी तरक्की कर ली है। आज हम तरक्की के उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं, जहां भारत विकसनशील देशों से निकलकर विकसित देशों की लिस्ट में खुद को शामिल करने के लिए लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है। भारत के इंजीनियर और डॉक्टर लगातार देश के अलावा विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। गांव शहरों में बदल रहे हैं और शहर स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है। दोस्तों, इस वक्त देश में विकास की एक ऐसी हवा चल रही है जिसने लोगों की लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। देश में लगातार इंटरनेट का विस्तार हो रहा है। इंटरनेट की पहुंच अब शहरों के अलावा भारत के तमाम गांवों में भी पहुंच गई है। इंटरनेट ने भारत को एक ग्लोबल गांव में बदल दिया है। रोजाना नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जिससे देश में नई नई संभावनाओं का विकास हो रहा है। देश विकास के एक ऐसे पहिए पर सवारी कर रहा है जिसने भारत और विकसित देशों के बीच के फासलों को बहुत कम कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आज भले ही भारत विकास के रथ पर सवार हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक जमाना था जब ना किसी के पास स्मार्टफोन हुआ करता था और ना ही शहरों में गगनचुंबी इमारतें हुआ करती थी। तब देश की ज्यादातर आबादी गांव में रहा करती थी और उनका मेन बिजनेस खेती हुआ करता था। तब ना ट्रेन थी और ना ही यातायात के दूसरे साधन। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता था। जी हाँ, आज हम आपको 18वीं सदी के उस भारत के बारे में बताने वाले हैं। 1800 का भारत आज के भारत से बिल्कुल अलग था। तब भारत के लोग बाकी दुनिया के एकदम अनजान गांव में रहकर अपना जीवन गुजारा करते थे। कैसा था उस सदी का भारत, आज हम आपको इस लेख में 1800 के भारत के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। अगर अंग्रेजों के भारत आने की बात करें तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में ही भारत में दस्तक दे दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब शाहजहां ताजमहल बना रहा था, तब दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भारत में छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें बची थी। एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि ये दोनों आपस में लड़े। अंग्रेजों ने कई प्रयत्न भी किए और इतने सालों बाद अंग्रेज धीरे धीरे विभिन्न जगहों पर भारत के सत्ता में आने लगे और उनकी मंशा कामयाब होने में 100 सालों से भी ज्यादा साल लग गए। और ऐसा साल आया 1800 का। अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन करना शुरू किया तो उस वक्त देश में जातिवाद पूरी तरह से हावी था। हर किसी जाति के अपने कुएं हुआ करते थे। लोगों ने अपने कामों को भी जाति के आधार पर बांट रखा था। निचली जाति के लोग गांव की सफाई का काम किया करते थे। ब्राह्मणों का काम लोगों को धर्म की शिक्षा देना था और बनिए सिर्फ व्यापार का काम किया करते थे। सत्ता पर काबिज होते ही अंग्रेजों ने भारत में रहने वाले लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में रहने वाले लोगों का पहनावा धोती और गमछा ही हुआ करता था। अंग्रेजों के आने के बाद लोगों पर उनके कल्चर का खूब असर पड़ा। बाद में लोग शर्ट और पैंट भी पहनने लगे, लेकिन तब भी अधिकांश लोग धोती और गमछा ही पहनना पसंद करते थे। तब भारत के गांवों में रहने वाले लोग शर्ट और पैंट को कुर्ता पायजामा कहा करते थे। आज से करीब 200 साल पहले
और आज के भारत में करीब करीब सभी क्षेत्रों में बदलाव हो गया है। सन 1800 के समय भारत या दुनिया में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। उस समय ज्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ ही लोग थे। पूरा भारत यानी कि अखंड भारत, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और अफगानिस्तान से मिलकर बना था, यानी कि आज के इन 5 देशों के विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे। अधिकांश लोग तो किसान हुआ करते थे, जो पूरा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन सत्संग किया करते थे, फिर रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी से उठ जाते थे। यही भारत के ज्यादातर लोगों का नित्य कर्म हुआ करता था। तब लाइट्स नहीं थी, इसलिए शाम को भजन या ईश्वर पूजा करने में बाधा न आए इसलिए दिए जलाए जाते थे। कुछ लोग दूसरे कामों को भी संभालते थे, जैसे कि कुम्हार, धोबी, सुनार, सोनी, ये सब। लेकिन इनका भी जब दिन खत्म हो जाता था तो शाम को ये यही नित्य कर्म अपनाते थे। ये तो हुई गांव की बात, और उस समय इतने गांव थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे, और शहरों की बात करें तो ज्यादातर लोग मीलों में मजदूरियां किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का काम हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आज की कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। भारत में बिजली सन 1880 में आई, लेकिन भारत के गांव में बिजली पहुंचने में और कई साल लग गए। एक डेटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी और वही एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय किसानों की क्या आय रही होगी। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे और लगान की मार भी झेलते थे। उस समय कुछ अमीर तबक का भी हुआ करता था, जिसमें से सब नहीं लेकिन कुछ लोग हमेशा ये फिराक में रहते थे कि कैसे करके अंग्रेजों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए, और कुछ अमीर अपने सूझबूझ और स्किल के माध्यम से ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। आज के समय में बीमारियां आम हो गई है, लेकिन उस वक्त भी कई बीमारियां मौजूद थी, जैसे कॉलरा और प्लेग आम थे। इन बीमारियों की कोई दवा नहीं थी और इसके सामने लोग बेबस थे। अधिकतर दिक्कत प्रसव में होती थी और जानकारी के अभाव के कारण कई महिलाओं को तो डिलीवरी में ही जान से हाथ धोना पड़ता था, और इसके कारण कई सारे बच्चों की भी जिंदगी चली जाती थी। और बात करें उस वक्त के कुछ चुनिंदा लोगों के जिसे खुश कह सकते हैं, तो बस वो वही लोग थे जो या तो कोई अच्छे किंगडम में रहते थे या तो अमीर थे। दबे कुचले लोग गरीबी और बदहाली के कारण ही बेबस थे। और बात करें एजुकेशन की, तो उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं, और इनमें से ज्यादातर आंकड़ा शहरों का ही है। गांव में इससे भी बदतर हालत थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो ना पढ़े लिखे लोग स्किल्ड नहीं थे, वो लोग स्किल्ड भी थे और अपने कई कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीजों में डील नहीं कर सकते थे। भारत के लोग उस वक्त पैसों से चीजें खरीदने के बजाय एक्सचेंज व्यवहार मानते थे, जैसे एक मटके के बदले 2 किलो चावल या 5 किलो आटे के बदले 3 किलो दाल। ज्यादातर गांव में ऐसे ही व्यवहार होता था, चीजों के बदले चीजें दे दी जाती थी, और ऐसे गांव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाया करता था, और खासकर गांव से अनाज बाहर बेचने को जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों, 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था। उस समय कुछ चीजें बहुत ही अच्छी थी तो कुछ बहुत ही खराब, और ऐसा लगभग हर समय में होता है। हर समय कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव एक साथ ही पाए जाते हैं। वैसे आप 1800 के भारत को किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। सी यू सून इन नेक्स्ट वंडरफुल वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।